हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। लेट अस स्टार्ट विद द 7th पार्ट। हियर वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4। जैसा मैंने आपको रूल्स समझाते वक्त बताया था कि जब हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को। सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल विल राइट 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, क्योंकि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 48/3, और जब हम 48 को 3 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 16। इसमें हम एक और तरीके से कर सकते थे, पिछले ही स्टेप में हम 12 और 3 को कैंसिल करके 4 बना सकते थे, और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके 16 कर सकते थे। उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, 14 डिवाइडेड बाय 5/6। इसमें भी हम 5/6 का रेसिप्रोकल लेंगे, सो विल गेट 14 मल्टीप्लाइड बाय 6/5, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर मिलता है 84/5। लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम 84 को 5 से डिवाइड करते हैं हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलता है 16/4/5। थर्ड इज 8 डिवाइडेड बाय 7/3। हम इसे लिखते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। इसमें भी हमने रेसिप्रोकल लिया, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 24/7, एंड ऑन कन्वर्टिंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन वी गेट 3/3/7। फोर्थ, 4 डिवाइडेड बाय 8/3। इसमें भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, सो विल राइट 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। इसमें हम 4 और 8 को कैंसिल करके इसे 3/2 बना सकते थे, या जैसे मैंने किया है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट 12/8, और उसके बाद हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3/2, और 3/2 को जब हम चेंज करेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन वी गेट 1/1/2। फिफ्थ, 3 डिवाइडेड बाय 2/1/3। इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो विल राइट 3 डिवाइडेड बाय 7/3, क्योंकि जब हमने 2/1/3 को कन्वर्ट किया तो इट बिकम्स 7/3, और फिर जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे विल राइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 9/7, और जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हमें आंसर मिलता है 1/2/7। सिक्स्थ, 5 डिवाइडेड बाय 3/4/7। पहले हम 3/4/7 को चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 25/7। तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 25/7 से तो एज यूजुअल हमें उसे रेसिप्रोकल लेना है। विल राइट 5 मल्टीप्लाइड बाय 7/25। इस स्टेप में आप 5 और 25 को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 35/25, और दोनों को जब हम 5 से कैंसिल कर देते हैं हमें मिलता है 7/5, और जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हमें आंसर मिलता है 1/2/5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट इज 3/7, इसका रेसिप्रोकल होता है 7/3, और 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकेंड इज 5/8, इसका रेसिप्रोकल है 8/5, और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड इज 9/7, इसका रेसिप्रोकल होगा 7/9, और 7/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फोर्थ इज 6/5, इसका रेसिप्रोकल है 5/6, और 5/6 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिफ्थ, 12/7, इसका रेसिप्रोकल है 7/12, वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिक्स्थ, 1/8, इसका रेसिप्रोकल होगा 8/1। 8/1 का मतलब होता है 8, क्योंकि जब भी हम डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं तो हम उस 1 को रिमूव कर सकते हैं, इट बिकम्स अ होल नंबर। नेक्स्ट इज 1/11, इसका रेसिप्रोकल होगा 11/1, विच मीन्स 11, सो इट इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 7/3 डिवाइडेड बाय 2।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस होल नंबर का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है और फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉलोइंग द सेम रूल वी विल सॉल्व दिस पार्ट 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि हमने 2 का रेसिप्रोकल लिया तो 1/2 बन गया और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 7/6। अब इस 7/6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 1/6। सेकेंड इज 4/9 डिवाइडेड बाय 5, इसमें भी हम 5 का रेसिप्रोकल लेंगे सो विल गेट 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 4/45। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और सिंपलेस्ट फॉर्म्स में है सो दिस इज़ द आंसर। थर्ड 6/13 डिवाइडेड बाय 7, इसमें हम 7 का रेसिप्रोकल लेंगे सो विल राइट 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है 6/91। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है और सिंपलेस्ट फॉर्म्स में है सो दिस विल बी द आंसर। फोर्थ पार्ट 4/1/3 डिवाइडेड बाय 3, इसमें इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा सो ऑन चेंजिंग वी गेट 13/3 और डिवाइडेड बाय 3 तो है ही, उस डिवाइड बाय 3 को हम चेंज कर देंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि इस 3 का हमें रेसिप्रोकल जो लेना है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 13/9। और अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, 13 को 9 से डिवाइड करोगे 1 इज क्वोशेंट 4 इज रिमाइंडर सो इट विल बिकम 1/4/9। फिफ्थ 3/1/2 डिवाइडेड बाय 4, इसमें हम 3/1/2 को चेंज करेंगे सो इट विल बिकम 7/2 और इसे हमें 4 से डिवाइड करना है सो वी विल राइट 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि 4 का हमें रेसिप्रोकल लेना था तो वो 1/4 बन गया। और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलता है 7/8। अब 7 छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है सो दिस इज़ द आंसर। सिक्स 4/3/7 डिवाइडेड बाय 7, सबसे पहले हमें 4/3/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ऑन चेंजिंग वी गेट 31/7 डिवाइडेड बाय 7, तो इस डिवाइड बाय 7 को हम मल्टीप्लाइड बाय 1/7 में चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 31/49। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देख रहे हैं दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो सेकेंड वाले फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं और फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2 सो विल राइट 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। हमने 1/2 का रेसिप्रोकल लिया क्योंकि वो सेकेंड नंबर पे था, तो जो भी सेकेंड नंबर पे होता है उसी का रेसिप्रोकल लिया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 4/5। 4/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज द आंसर। सेकेंड 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, इसमें हम लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। इसमें हम 3 और 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब कैंसिल कर देंगे तो हमें 3 मिलेगा डिनोमिनेटर में, 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे तो न्यूमरेटर में 2 बचेगा तो हमें आंसर मिलेगा 2/3। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7 सो वी विल राइट 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। इसमें 7 और 7 कट जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 3/8। कटने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो हो गया, कटने का ये मतलब है कि दोनों को हमने 7 से डिवाइड कर दिया और वहाँ 1 बचा और 3 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया वो 3 हो गया और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया वो 8 बन गया। फोर्थ पार्ट 2/1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, इसमें 2/1/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आफ्टर चेंजिंग वी विल गेट 7/3 एंड इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 3/5 सो वी विल राइट 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, क्योंकि हमने 3/5 का रेसिप्रोकल ले लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 35/9 और जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हमें मिलता है 3/8/9। फिफ्थ 3/1/2 डिवाइडेड बाय 8/3, इसमें भी हमें इसे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद हमें मिलता है 7/2 और इसे हम डिवाइड करते हैं 8/3 से, तो हम रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल राइट 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 21/16, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ऑन चेंजिंग वी गेट 1/5/16। 6 2/5 डिवाइडेड बाय 1/1/2, इसमें भी हम चेंज करेंगे 1/1/2 को तो हमें मिलेगा 2/5 डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि 1/1/2 विल बिकम 3/2। अब हम इसे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलता है 4/15। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स में है, सो दिस इज़ द आंसर। 7th, इसमें दोनों ही नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन में है तो दोनों को ही हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3, दोनों को जब हम चेंज करते हैं हमें मिलता है 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3। अब हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल राइट 16/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 48/25। जैसा कि आपको याद है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो इसीलिए हमें मिलता है 48/25। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके लिए हम 48 को 25 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन विल बी 1, तो नंबर 1 बन गया, रिमाइंडर बचता है 23, तो वो न्यूमरेटर में चला गया, तो आपको फ्रैक्शन मिलता है 1/23/25। 8th पार्ट, इट इज़ 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5, इन दोनों को ही हम चेंज करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस तो हमें मिलेगा 11/5 डिवाइडेड बाय 6/5। हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लिखेंगे 11/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, दोनों 5/5 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 11/6। इसे भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 5/6। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक यानी कि डेसिमल्स एक्सप्लेन करूँगी। अंटिल देन, बाय।